क्यों चंबल में जन्म लेना चाहती हैं डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे? बताएं ये खास वजह, कांग्रेस नेत्री निशा बांगरे ने कहा, मैं भिंड आई हूं। यहां संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा देश के लिए किए गए योगदान का सम्मान करते हैं। इस क्रांति की धरती से मेरे विचार मिलते हैं। काश मेरा जन्म यहां हुआ होता। अगर अगला जन्म हो तो भिंड की धरती पर ही हो, ताकि मेरे विचार देश में बेहतर ढंग से पहुंच सकें। जनता बदलाव चाहती है, मुख्यमंत्री मंच से कहते हैं, सुन ले कलेक्टर, सुन ले एसपी, तो क्या इज्जत रह जाती है? इसलिए बदलाव जरूरी है। निशा बांगरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लोगों को तोड़ने की राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रही है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। निशा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने ऐसा षड्यंत्र किया था कि मेरी नौकरी भी चली जाए और मैं चुनाव भी ना लड़ सकूं। कांग्रेस ने सभी 229 विधानसभा सीटों पर टिकट घोषित कर दिया था, लेकिन मेरे लिए एक सीट रोक कर रखी थी, लेकिन बीजेपी के षड्यंत्र की वजह से ऐसा नहीं हो सका। लेकिन मेरा उद्देश्य विधायक बनना नहीं था, हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, इस संविधान को लागू करवाना है। बीएसपी पर निशाना साधते हुए निशा बांगरे ने कहा कि बीएसपी अपने मार्ग से भटक चुकी है, वे बाबा साहब की और संविधान की बात करते थे, काशीराम साहब ने समाज को एकजुट करने का काम किया, लेकिन अब बीएसपी अपने मार्ग से भटक चुकी है। नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में दिए गए बयान पर निशा बांगरे ने कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन सही शब्द होना चाहिए। उन्होंने शायद अपने शब्दों में यह बात कही है, उसे और बेहतर शब्दों में रखा जा सकता था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।